हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पोनमार ब्लॉग्स पे। तो सुबह का टाइम है, 6 बज चुका है। मुझे सबसे पहले बिस्तर उठाना पड़ता है, क्योंकि मैं बिस्तर लगाती हूँ खाट पे, वो गेट के सामने होता है। सबसे पहले उसको उठाना पड़ता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर मैंने उनको उठा दिया है, आप बेड पर चले जाओ तो मैं बिस्तर उठा लूँ। तो मैं यहाँ पर बिस्तर उठा रही हूँ, वहाँ पर बाप बेटी का लाड हो रहा है दोनों के साथ, आप देख सकते हो। और उसके बाद मुझे निकालना था दूध, मैं दूध निकालने चली गई। फिर उसके बाद मुझे चाय बनाना था, तो मैं यहाँ पे दूध छान करके डाल रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत कचरा आ जाता है दूध निकालते समय, इसलिए दूध में छान करके डालती। फिर चाय बनाना था। और सुबह का मेरा काम मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सुबह का करते ही करते मतलब दोनों उठ जाते हैं साथ साथ। फिर चाय बना के देना इस अक्षर को भी, दूध पिलाना इसों को भी, दूध देना तो उनको भी, मतलब ऐसे करते करते सब 8 बज जाते हैं। मैं बाहर निकलते निकलते मतलब बाहर का काम करते करते यहाँ पर मैं चाय बनाने के लिए चढ़ा रख दी हूँ, और यहाँ पे मैं छाँच कर रही हूँ। सबको बताते हैं कि क्योंकि अगर सुबह का काम है तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सबका ही बढ़ जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। अगर आप एक काम करते तो दूसरा काम फैल जाता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। और बच्चे रहते हैं तो आप वैसे भी पता है कि कितना बढ़ जाता है। यहाँ पर देख सकते हो, इस मेरे साथ साथ ही अगर वह उड़ जाती है तो इस मेरे साथ साथ ही करती नहीं रहती, मतलब मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, जैसे कि आपको पता ही है। ये देख सकते हो मैं इसको खिला रही हूँ। तो सुबह पहले चाय, इसको मैंने चाय नहीं दिया था, पहले मैं दूध निकाली, उसके बाद ही मैंने कुछ दिया इसको खाने के लिए। तो नहीं तो पहले उसको उठ करके मैं सबसे पहले दूध देती हूँ। तो पहले दूध तो ली, फिर जिसने बिस्किट का पैकेट पड़ा था तो बिस्किट का पैकेट लेके आई, फिर उसको आधा आधा खा करके उसको भी पटक दिया। आप देख सकते हो टेबल पे ऐसे पड़ा हुआ है। सुबह फिर यहाँ पे मेरे सारे बर्तन जैसे पड़े थे, किसी में मैं रात को सीरा बनाई थी, जो फिर मैं एक थोड़ी सी बच गई थी तो मैं प्याली में डाल करके मैं उसको रख रही हूँ। और फिर उसको बाकी जो बर्तन में उसको बाहर निकाल रही थी मारने के लिए, क्योंकि मैं सारा काम जो करती हूँ, अगर मुझे झाड़ू निकालना तो मैं उसके साथ साथ ही सारा काम करती करती आ जाती हूँ। जैसे कि मुझे मेरे कमरे में लगा रही हूँ तो मैं अपने कमरे को सारे साफ़ करके, मतलब बिस्तर वगैरह, बिछाना वगैरह, मतलब कपड़े वपड़े उन सारा साफ़ करके के मैं मतलब झाड़ू के साथ साथ सारा ही काम कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर फिर मैं चाय बना रही थी, चाय बना करके फिर बना के लाई थी, उसके बाद मैं पी रही हूँ। आप जो मेरा कप देख रखा है बहुत बड़ा है, और मैं इसी के अंदर ही चाय पीती हूँ। अब देख सकते हैं इनको भी, इन लोगों को भी बिस्किट खिला रही हूँ। और मेरी भी आदत है सुबह सुबह कुछ ना कुछ खाने की, बस मुझे बस सुबह कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, बाकी फिर मैं खाना नहाने धोने के बाद ही खाती हूँ। बस सुबह मुझे कुछ ना कुछ नाश्ते में मिल जाना चाहिए, नहीं तो फिर मेरे को चक्कर वक्कर आने आ जाते हैं, और फिर काम करते करते लेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं फिर खाना तो नहा धो करके ही खाती हूँ, लेकिन सुबह कुछ ना कुछ बिस्किट वगैरह मैं खा लेती हूँ। तो आप देख सकते हो, तो ब्लॉग के अंदर बने रहे, आप देखते रहे। तो गाइस, इसके बाद थोड़ा बहुत इनके साथ मैं खेल लेती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि इन दोनों का फिर मूड सही हो जाता है। उसके बाद फिर मैं झाड़ू निकालने जाती हूँ सारे कमरों में बाहर सब, जैसे कि आपको पता ही है मेरा कितना काम रहता है। तो बस रोज़ के कामों की तरह मैं लग जाती हूँ। बस यही है कि मतलब लाइफ काम के अंदर ही रह गई, उसके अंदर कुछ नहीं बचा है बस। लेकिन फिर भी मैं, चलो कोई बात नहीं, कट रही है ज़िंदगी। तो आप देख सकते हो हवा कितनी ज़्यादा आ रही है, आज मौसम बहुत प्यारा प्यारा सा हो रखा था, हल्की हल्की बरसात हो रही थी, काफ़ी दिनों के बाद ऐसा मौसम हुआ था। वैसे मौसम तो होता रहता है, लेकिन फिर भी ऐसी हवा, बरसात बारिश आती थी लेकिन हवा नहीं चलती थी, इस बार तो बारिश और हवा दोनों एक साथ चल रही थी। तो देख सकते हो, अगर आपको ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और
ब्लॉग के अंदर बने रहें और देखते रहें। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हो अगर गलती से आ चुके हो तो प्लीज़ गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। बाय।